विस्टार न्यूज में आपके साथ मैं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करें लेकिन देखेंगे हेडलाइंस। पीएम मोदी का बनारस दौरा, कल क्रूज पर सवार होकर दिखाएंगे देश पर की मनमोहक छटा। 84 घाटों पर जलाएंगे करीब 15 लाख दिए। लगातार चौथे दिन भी जारी है किसानों का हल्ला। सरकारी समागम जाने के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकराया, कहा सिंधु बॉर्डर पर ही जाए थे प्रदर्शन। हैदराबाद का चुनाव बना राष्ट्रीय समिति का अखाड़ा। जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ के बाद अमित शाह ने किया चुनाव प्रचार। 2023 के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है नगर निगम का चुनाव। यूपी के बरेली में लफ्जियात का पहला केस दर्ज। देवरनिया में छात्रा पर बदलने के लिए दबाव बनाने का मामला, राज्यपाल की अनुमति के बाद यूपी में लागू हो चुका है धर्मांतरण कानून। और आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट शहीद, 10 जवानों के घायल होने की खबर। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। आपको बता दें कि मीडियम का ये कार्यक्रम कोरोना संकट और किसानों के आंदोलन के बीच हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने देवी अन्नपूर्णा की बहुत पुरानी मूर्ति कनाडा से भारत वापस आने पर खुशी जाहिर की और इसे सुरक्षित बताया, इसे सुखद बताया। पीएम ने कहा कि इस महीने 12 नवंबर से डॉक्टर सलीम अली जी का 125वां जयंती समारोह का शुभारंभ होने जा रहा है। डॉक्टर सलीम ने पक्षियों की दुनिया में वर्ल्ड वॉचिंग को लेकर उल्लेखनीय काम किए हैं। दुनिया में वर्ल्ड वॉचिंग को भारत के प्रति आकर्षित भी किया है और भारत में बहुत सी वर्ल्ड वॉचिंग सोसाइटी सक्रिय है। पीएम ने लोगों से इस विषय के साथ जुड़ने की अपील की है। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों पर कहा कि इससे किसानों के लिए नए रास्ते खुले हैं और काफी विचार विमर्श के बाद भारतीय संसद ने कृषि कानूनों को ठोस रूप दिया है। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने कल कोविड-19 वैक्सीन की तैयारियों का जायजा भी लिया था। और आज मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने नए कृषि कानूनों पर भी अपनी बात रखी है। पीएम मोदी ने एक उदाहरण के जरिए किसानों को समझाते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के धुले जिले के किसान जितेंद्र भोईजी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सबको ये जानना चाहिए कि जितेंद्र भोईजी ने नए कृषि कानून का इस्तेमाल कैसे किया। जितेंद्र भोईजी ने मक्के की खेती की थी और मक्के को सही दामों में किसानों को बेचना तय किया और फसल की कीमत 3,32,000 रुपये तय हुई है। और कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना लगातार जारी है। गुरुवार को शुरू हुआ किसानों के प्रदर्शन का आज चौथा दिन है। किसान दिल्ली हरियाणा की सीमा सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो वहीं कुछ किसान दिल्ली के निरंकारी समागम में मौजूद हैं। बता दें कि कल किसानों ने तय किया था कि वे सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा किसान रोज सुबह 11 बजे बैठक करके आगे की रणनीति भी बनाएंगे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। इसके अलावा गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकेत ने सरकार से पूछा है कि प्रदर्शन तो रामलीला मैदान में होता है, तो फिर आखिर किसानों को निरंकारी मैदान में क्यों भेजा जा रहा है। किसान संगठनों ने गृहमंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, यानी कि किसान अब दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर से बुराड़ी के निराकारी समागम मैदान नहीं जाएंगे। किसानों ने कहा है कि उनका प्रदर्शन सिंधु बॉर्डर पर ही जारी रहेगा। अमित शाह ने शनिवार को किसानों से अपील की थी कि किसान सिंधु बॉर्डर से हट जाएं और बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान में चले जाएं। अमित शाह ने कहा था कि सरकार किसानों से वहां बात करने को तैयार है, लेकिन किसानों ने इस अपील को ठुकरा दिया है। और पीएम मोदी कल वाराणसी के दौरे पर हैं, जहां वे गंगा के घाटों का भव्य देव दीपावली का दीदार करेंगे। बता दें कि देव दीपावली के मौके पर 84 गंगा घाटों में करीब 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। पीएम मोदी क्रूज पर बैठकर दीयों की रोशनी से जगमगा रहे गंगा घाटों के दीदार करेंगे। इसके अलावा गंगा के किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसे काशी के संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित किया जाएगा। दरअसल पीएम मोदी करीब 9 महीने बाद वाराणसी जाएंगे। वहां वे राजा तालाब इंडिया 6 लेने के उद्घाटन और देव दीपावली समेत कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन चुका है। बीजेपी ने इस बार AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को उनके गढ़ में पछाड़ने की तैयारी की है। इसलिए पार्टी के दिग्गज नेता वहां प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। आज प्रचार के आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह हैदराबाद में रोड शो करते नजर आए। बता दें कि उनसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार कर चुके हैं। आज रोड शो से पहले शाह चार मीनार के पास भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा की और रोड शो के बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हैदराबाद को निजाम कल्चर से मुक्त करेंगे। दरअसल
ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव 2020 को साल 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले का टेस्ट माना जा रहा है। यही वजह है कि भाजपा ने राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की टीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के खिलाफ अपने दिग्गज नेताओं की फौज को उतार दिया है। बता दें कि राज्य में राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार और उसके ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ दोस्ताना रिश्ते हैं। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के दौरे पर हैं, जिसके तहत 30 नवंबर को राजनाथ सिंह सुबह 11:30 बजे लखनऊ में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले राजनाथ सिंह किसान पद पर जाएंगे, उसके बाद रेडी पुड़िया और लाल कुआ, मीना बेकरी, फ्लाईओवर ब्रिज समेत कई परियोजनाओं का जायजा लेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि राजनाथ सिंह दिवंगत मौलाना कलवे सादिक के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि राजनाथ सिंह ने शिया धर्मगुरु मौलाना कलवे सादिक के निधन पर दुख प्रकट करते हुए कहा था कि वे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे हैं और हमेशा समाज में भाईचारे को मजबूत करने पर उन्होंने बल दिया है। यूपी के बरेली में लफ्ज जिहाद का पहला मामला दर्ज किया गया है। बरेली के देवरनिया इलाके में एक छात्र पर जबरन छात्रा का धर्मपरिवर्तन का आरोप लगा है। आरोप है कि छात्रा के परिवार को धमकी दे रहा है और छात्रा को कई तरह का लालच देने की कोशिश भी कर रहा है। मामले को लेकर देवरनिया पुलिस ने उत्तर प्रदेश के विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी घर से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी की कोशिश लगातार जारी है। पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपी उवेस अहमद लगातार उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है और आरोपी ने छात्रा को जान से मारने की धमकी भी दी है। और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में एक जवान शहीद हो गया। दरअसल जवान टाड़मेटला में सर्च पर निकले हुए थे, इस दौरान जवान नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आ गए। विस्फोट में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हो गए, जबकि करीब 10 जवानों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। बता दें कि ये वही ताड़मेटला है जहां 6 अप्रैल 2010 में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। इस दौरान करीब 1000 नक्सलियों के बीच 150 जवान फंस गए थे। घटना की पुष्टि करते हुए एसपी के एल ध्रुव ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत शनिवार को बुरकापाल कैंप से कोबरा 206 के जवान सर्चिंग पर निकले थे। देर शाम वापसी के दौरान कैंप से करीब 6 किलोमीटर पहले ताड़मेटला के पास नक्सलियों के लगाए आईईडी के संपर्क में आने से जोरदार विस्फोट हो गया। और आरजेडी प्रमुख लालू यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। लालू यादव का कथित ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद उसे रिम्स के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही अब उन्हें कथित ऑडियो क्लिप को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है। इसके अलावा पुलिस लालू यादव के लापता सेवादार इरफान अंसारी की तलाश में जुट गई है। बता दें कि लालू का कथित ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद से ही इरफान अंसारी लापता है। पुलिस सूत्रों से ये मिली जानकारी के मुताबिक लालू की आवाज़ को जांच वायरल ऑडियो क्लिप को तो जांच के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही मामले में इरफान अंसारी से भी पूछताछ जरूरी है। बता दें कि बीजेपी एमएलए ललित पासवान के मोबाइल में इरफान अंसारी के मोबाइल से ही कॉल किया गया था। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इस नंबर को जारी किया था। और आगे बढ़ेंगे, राजधानी दिल्ली में इस साल ठंड पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ती नजर आ रही है। इस साल नवंबर के महीने में औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। अमूमन नवंबर के महीने में दिल्ली का औसत न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस रहता है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 29 नवंबर तक शहर में औसत न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले करीब 10 सालों में सबसे कम। वहीं अगर शहर के आज के न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बता दें कि 23 नवंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस था, जो नवंबर 2003 के बाद अब तक का सबसे कम तापमान। बात करेंगे कोरोना की, देश और दुनिया में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि भारत में दैनिक मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। रविवार को शनिवार की तुलना में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को जहां 41,322 नए मामले सामने आए, तो वहीं रविवार को 41,810 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 496 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 93 लाख को पार कर गई। पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। आज एक बार फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। डीजल की कीमत में 28 से 31 पैसे की बढ़ोतरी हुई, तो भी पेट्रोल डीजल की कीमत में 19 से 21 पैसे की बढ़ी है, जिसके बाद डीजल में आज में डीजल 75 रुपए 92 पैसे, तो पेट्रोल 83 रुपए 87 पैसे।
दरअसल जब कोरोना के बीच में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और ऐसे में पेट्रोल 85 रुपये 30 पैसे बिक रहा है। दरअसल जब कोरोना संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई थी तो उम्मीद जताई जा रही थी कि पेट्रोल की कीमत में कम होगी, लेकिन उसके बावजूद भारत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल को आयात करता है, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की धमकी के बीच बड़ी तादाद में लोगों ने स्थानीय निकाय चुनाव में हिस्सा लिया और वोटिंग की है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पहली बार हुए जिला विकास परिषद के चुनाव में जबरदस्त उत्साह के साथ महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ऐसे में चुनावों से पहले चरण में 52% मतदान हुआ है। चुनावों के दौरान कुपवाड़ा जिले में वोट डाले गए एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसने अमन शांति और विकास की बात करके अलगाववादियों के मुंह पर करारा तमाचा चढ़ाया। मैं ये चाहती हूँ कि दुनिया में अमन आ जाए। हम इसलिए वोट डालना चाहते हैं कि पुराने लोग थे, यहाँ पे अमन नहीं था, नौकरियाँ नहीं थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज नए लीडर बन जाए, हम लोगों को यहाँ पे अमन आ जाए और नौकरियाँ मिले। पुराने लोग कुछ नहीं समझते थे, इसलिए हम वोट डालना चाहते हैं। आप नई लीडरशिप बनाना चाहते हैं? हाँ, नई लीडरशिप बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे अमन आ जाए, पढ़ाई आमतौर लोग पढ़ाई करने लगे, यहाँ पे अच्छे अच्छे गरीबी दूर हो जाए, इसलिए हम। और पूरी दुनिया में कोरोना का सितम देखने को मिल रहा है। दुनिया के कई देशों ने कोरोना के चलते लॉकडाउन भी झेला, लेकिन ये कोरोना है कि जाने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के चलते दुनिया के तमाम बड़े देशों की अर्थव्यवस्था उन्हें मुंह गिर चुकी है। इसके साथ ही शिक्षा पर भी कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो मामला देखे इस रिपोर्ट में। दुनिया पर कोरोना ग्रहण, कोरोना ने पढ़ाई पर लगाया ब्रेक, टूटेगा करोड़ों बेटियों का सपना, 2 करोड़ बेटियों का छूटेगा स्कूल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जहाँ एक ओर पूरी दुनिया कोरोना से जद्दोजहद करने में लगी है, वहीं एक कोरोना कई लड़कियों के सपनों के लिए काल बनकर आया है। दरअसल जब कोरोना का दौर शुरू हुआ था, उस वक्त से ही स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई पर भी ब्रेक लग गया था, क्योंकि अगर कोरोना काल के दौरान भी बच्चों के स्कूल जाने का सिलसिला जारी रहता तो स्कूली बच्चे भी इसकी चपेट में आ सकते थे। लेकिन कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई पर कुछ समय के लिए लगे इस ब्रेक करोड़ों लड़कियों के सपने तोड़ दिए हैं। करीब 2 करोड़ लड़कियां अब भी स्कूल नहीं जा पाएंगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये खुलासा हुआ है कि स्टडी रिपोर्ट में राइट टू एजुकेशन फोरम ने सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडी और चैंपियंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन के साथ मिलकर भारत के भी 5 राज्यों में कोरोना के कारण लड़कियों की पढ़ाई पर पड़ रहे असर पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट की खास बातों पर नजर डालें तो सर्वे जून 2020 में 3,176 परिवारों पर किया गया। कम और मध्यम आय वर्ग के देशों के सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रही करीब 2 करोड़ लड़कियां कोरोना के बाद भी स्कूल नहीं लौट सकेंगी। यूपी के 11, बिहार के 8, असम के 5, तेलंगाना के 4 और दिल्ली के 1 जिले को शामिल किया गया है। कमजोर और गरीब तबके के करीब 70% लोगों के पास पर्याप्त राशन नहीं है, जिससे लड़कियों की पढ़ाई खतरे में है। 37% लड़कियां नहीं जानती कि वे स्कूल जा पाएंगी या नहीं। 71% लड़कियां घरेलू कामों में व्यस्त। रिपोर्ट में जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो हैरान कर रही हैं। साथ ही अगर लड़कियां कोरोना खत्म होने के बाद स्कूल नहीं लौटती तो उनकी जल्द शादी की संभावना बढ़ जाती है और ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में शादी के बाद लड़कियों का पढ़ाई से नाता टूट ही जाता है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए क्या नई योजनाएं लागू करती है। स्पेशल रिपोर्ट, एबीसी स्टार न्यूज़। और
उद्धव सरकार से सीट टक्कर लेने वाली कंगन रावत ने अब पारसी लोगों के बारे में बड़ी बात कह दी है। दरअसल कंगन रावत ने दिवंगत सिंगर वाजिद खान की पत्नी कमल रुख की परेशानियों की खबर पर अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल कमल रुख को लेकर खबर है कि वाजिद के देहांत के बाद उनके ससुराल के लोग जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूलने के लिए कह रहे हैं। कमल रुख ने वाजिद के परिवार पर उत्पीड़न के आरोप भी लगाए। उन्होंने अपने एक लेटर के जरिए बताया है कि वह पारसी है और उनके पति वाजिद मुस्लिम थे। अब उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस मामले पर कंगना ने अपना रिएक्शन देते हुए ट्वीट किए हैं और कंगना रावत ने ट्विटर पर लिखा कि इस देश में पारसी सही में अल्पसंख्यक हैं। वह देश पर कब्जा करने नहीं आए थे, वह तो तलाश में आए थे कि किस तरह से उन्हें देश में रोजगार मिले, किस तरह से देश में पनाह मिले, लेकिन उन्होंने बहुत आराम से भारत माता का प्यार मांगा था। हमारे देश की सुंदरता, वृद्धि और आर्थिक मामलों में उनकी छोटी सी जनसंख्या ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इसी के साथ इतना ही। नमस्कार।